नमस्कार दोस्तों, सभी हिंदुओं को इस हिंदवी साम्राज्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ही दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जब हिंदवी साम्राज्य के स्वप्न को लेकर एक महान हिंदू शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुओं ने एक नए जोश के साथ वार करना शुरू कर दिया था, जिसका प्रतिफल ये रहा कि अत्याचार का दूसरा रूप माना जाने वाला औरंगजेब दक्षिण में ही दफन हो गया था। आज के पावन दिन को नकली और चाटुकार इतिहासकार किसी भी हालत में जनमानस में प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, नहीं प्रसिद्ध होना देना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद के बनाए तथाकथित धर्म निरपेक्षता और नकली सिद्धांतों को जीवित भी रखना है। इसीलिए उन्होंने बिकी हुई कलम और भीख में मिलने वाली स्याही से पता नहीं क्या क्या इतिहास है। हिंदू साम्राज्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, यह छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिवस है। यह परम ही पावन दिन था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना केवल शिवाजी महाराज की विजय की बात नहीं है, ये समस्त हिंदुओं की विजय की बात है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद हिंदू राज्य खत्म ही हो चुका था। हिंदुओं पर बड़ा ही अत्याचार हो रहा था। हिंदुओं की स्त्रियों को जबरन बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती थी। हिंदुओं को दास बनाया जाता था। इसके लिए अनेक राजा भी खड़े हुए, लेकिन कुछ उनके ही विपक्ष में खड़े हो गए जो चाटुकार थे, जो धन लोलुप थे। महाराणा प्रताप जैसे वीर ने संघर्ष किया, लेकिन उनके ही सगे संबंधियों ने उनको सफल नहीं माना। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, 1674 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को रायगढ़ के विशाल प्रांगण में राजे रजवाड़ों की सहभागिता के साथ माता जीजा एवं संभाजी की उपस्थिति में शिवराज महाराज का विशाल राज्याभिषेक हुआ था। इसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यह एक गौरवपूर्ण क्षण था। स्वराज एक सामाजिक एवं राजनायिक शब्द है, जिसकी मूल विचारधारा भारतवर्ष को हर प्रकार के विदेशी सैन्य व राजनैतिक प्रभाव से मुक्त करना है। इस शब्द के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। 1645 ईस्वी के एक पत्र में लिखा था कि इसी विचारधारा को नारा बनाकर शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष को एकत्र करने के लिए अफगान, मुगलों, पुर्तगीज और अन्य विदेशी मूल के शासकों द्वारा शासित हुकूमतों के खिलाफ किया था। उनकी विचार मुख्य विचारधारा भारत को विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव से मुक्त करना, क्योंकि वे भारतीय जनता विशेषतः हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, उनके धर्म क्षेत्रों को नष्ट किया करते थे, उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता। तब हिंदू स्वराज ये नाम उठकर के सामने आया, तब हिंदू स्वराज बना और हिंदू स्वराज का नारा बन करके बाद में जब राज्याभिषेक हुआ, तब जाकर के ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को पवन पावनता और पवित्रता के साथ हिंदवी साम्राज्य के रूप में स्थापित। ऐसे महान वीर धीर योद्धा को प्रणाम का प्रणाम।